नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती और एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का मौका मिल गया है। बता दें कि एक दलित नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के आरोपी डीएसपी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार आरोपित डीएसपी को बचाना चाहती है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के सीएम केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी व उनके ओएसडी बलात्कारी डीएसपी की अनैतिक गठजोड़ ने दलित महिला के साथ साथ बिहार के लाखों युवाओं का जीवन चौपट कर दिया है। किस मजबूरी के तहत सेवानिवृत्ति के बाद भी सीएम ऐसे लोगों को उपकृत कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव ने कहा है कि डीएसपी ने एक दलित नाबालिग का बलात्कार किया और सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली भी किया और इस मामले में खुद उनकी पत्नी ने सबूत सहित ये बातें मीडिया के बीच रखा था। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आरोपी की आज ना ही गिरफ्तारी हुई और ना ही निष्पक्ष जांच हो पाई। तेजस्वी यादव ने मांग किया है कि जल्द से जल्द आरोपी पर कार्यवाही किया जाए ताकि पीड़ित लड़की को न्याय मिल सके।